हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे ए चैनल लेक का व्यू। सो अभी आप लोगों को दिखाने वाले हैं किसी और जगह का व्यू। सो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो पर एंड तक, देखते जाइए और बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। सो चलिए चलते हैं मेन वीडियो की ओर। सो अभी हम आप लोगों को ले जा रहे हैं दलमा पर, यानी कि झारखंड का एक पहाड़ी है जिसका नाम है दलमा। उसके ऊपर है शिव जी का मंदिर और गुफा के अंदर है शिव जी का मंदिर और उसके ऊपर है हनुमान जी का मंदिर। सो चलिए दिखाते हैं मंदिर कैसा है और कितना सीढ़ियाँ है वो भी बताएंगे। सो चलिए देखते हैं वीडियो को एंड तक। सो अभी हम पहुंच गए पहाड़ी के ऊपर और गाड़ी पहुंच जाता है पूरा ऊपर तक और इधर बैठने का जगह है और एक दुकान भी है खाने के लिए। और खास कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा चिप्स और चाय समोसे ऐसे मिलेगा खाने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सो सब लोग हम गाड़ी से उतर गए, अभी हम चढ़ने वाले पहाड़ी पर। सो थोड़ा व्यू आप लोगों को दिखा देते हैं। इधर है बैठने का जगह, ये है दुकान सामने जो एक दिखा दे रहा है वो वाला है दुकान। और इधर भी पहाड़ी है और एक विश्राम आगार भी है, इधर आप विश्राम कर सकते हैं बैठ के थोड़ा। और इधर से हम आए हैं। सो चलिए चलते हैं ऊपर तक। और हम तो नहीं जानते थे कहाँ से जाने वाले हैं, तो यहाँ पर पूछे तो सामने ही एक सीढ़ी मिलता है, उस सीढ़ी से ऊपर नहीं जाना है, उसके पीछे और एक सीढ़ी है उससे ऊपर जाना है। सो यहाँ पर है एक कुआं और गौशाला भी है, यहाँ पर बहुत गाय रखा हुआ है गौशाला में। और कुआं से पानी उठा के आप लोगों को हाथ पैर धो लेना है और फिर ऊपर जाना है क्योंकि आप मंदिर में जाने वाले हैं। अगर अगर कोई पूजा देना चाहते हो तो पूजा का सामान भी शायद हम मिलेगा, हम देखे नहीं। तो मेरी पापा गलती से इधर से जाने वाले थे तो किसी ने बोल दिया कि इधर से नहीं जाना है और इधर से नीचे जाके और एक सीढ़ी है उधर से ही जाने हैं। सो चलिए दिखाते हैं। सो इधर सामने देख सकते हैं वो है गौशाला और उधर है कुआं। और हम लोगों को बुलाया गया कि इधर चप्पल खोल के जाना है, जो सीढ़ी है सीढ़ी के पास ही चप्पल खोल के जाना है ऊपर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर चप्पल खोल के है। कोई कोई चप्पल पहन के ही गए थे, चप्पल पहन के जाने से अच्छा होता है क्योंकि ऊपर बहुत गर्म होता है और पैर में बहुत लगता है, गर्म में बहुत लगता है, लगता है कि भाटी के ऊपर हम चल रहे हैं ऐसे लग रहा है। तो फिर भी बोला गया तो नीचे हम रख देते हैं क्योंकि ऊपर शिव जी है, तो शिव जी के पास तो जूता पहन के आप नहीं जा सकते, तो इसीलिए यहाँ पर हम जूता खोल के रख दिए और उधर थोड़ा पैर धोने वाला धोने के लिए चल गए थे कुआं के पास। सो कुआं के पास हम लोग आ गए थे तो देख रहे थे कि नीचे कितना गहरा है, कुआं बहुत गहरा है, मोबाइल हम सामने ले जाने का साहस नहीं कर पाए, बहुत डर लग रहा था अगर गिर गया तो आप लोगों को कैसे दिखा पाएंगे ये वीडियो। तो मेरी बेटी को आप देख सकते हैं, इसको किसी का सहारा नहीं चाहिए तो एक अकेले ही ऊपर जा रही थी, तो एंड में थोड़ा हप गया तो नाना जी का हाथ पकड़ लिया। तो अभी हम जा रहे हैं शिव जी के पास। तो शिव जी का गुफा इस सीढ़ी में टोटली शिव जी का गुफा तक जाने का और लग रहा है ऊपर जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ तक जाने का सीढ़ी टोटल मिला के होगा 60-65 होगा सीढ़ियाँ, तो ठीक से हम गिरे नहीं हड़बड़ी में और थोड़ा थकावट भी आ रहा था सीढ़ी में ऊपर जाने के लिए। तो
यहाँ पर थोड़ा हम रुक के विश्राम के लिए तो रुक के फिर से ऊपर जाने वाले थे। और दो मम्मी के आपस जो हालत है आप लोग देख सकते हैं, दोनों उठ नहीं पा रही थी तो दोनों को हम लोग ऐसे बोल के उठाया। वो लोग उठने वाला नहीं था, फिर भी ये जो शिव जी का मंदिर था इसीलिए वो लोग उठे। तो देख सकते हैं पहले तो इतना चौड़ा चौड़ा सीढ़ी था, इतना लंबी लंबी सीढ़ी था, तो थोड़ा ऊपर जाके इतना लंबी सीढ़ी नहीं है, गुफा के अंदर जाने का जो सीढ़ी है बहुत देख सकते हैं पतला पतला सीढ़ी है बहुत। और ये लोग भी आए थे इधर पूजा देने के लिए। लास्ट में उठ नहीं पा रही थी तो इसीलिए पापा का हाथ पकड़ लिया। चलिए चलते हैं अंदर तक। ये है शिव जी बैठी हुई है इधर, इधर बैठे हैं शिव जी। जो हम लोग जो टिफिन कर लिए थे इसीलिए पूजा नहीं दे पाए। इधर है गुफा, इसी गुफा से हम निकले उधर पूजा सॉरी उधर शिव जी को थोड़ा शिव जी के पास माथा टेका के इधर से हम निकले। और मेरी मामी दिखा रही थी कि इधर से दूध निकल रहा है, और जो लोग शिव जी के माथे पर दूध या नारियल का पानी डाल रहा था उसे दूध नारियल का पानी यहाँ से निकलता है। तो अभी हम जाने वाले हैं हनुमान जी के पास, सो चलिए चलते हैं। রোদটা মনেই হবে নি উপরে ঠান্ডা না আছে বুঝতে পারছি। एट लास्ट हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर पर। अब स्काई देख सकते हैं कितना नीला नीला है, लेकिन उतना गर्मी नहीं लग रहा था सिवाय सीढ़ी का। सीढ़ी बहुत गर्म हो गया था, ताप के पूरा लग रहा था भाटी हो गया, लेकिन उतना गर्म नहीं लग रहा था ऊपर त्वचा पर। हवा भी चल रहा था ठंडा ठंडा हवा, तो मेरी ससुर जी मेरी बेटी को ऐसे ऊपर चढ़ा के दिखा रहा था। मुझे तो बहुत डर लग रही थी, अरे बाप रे अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ से पूरा टाटानगर का जो व्यू है दिख सकते हैं, लेकिन कैमरा में उतना नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पूरा धुआं धुआं सा दिख रहा है। पूरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, पूरा धुआं है। तो उधर नीचे खड़ा है हमारा गाड़ी।
अरे यही पहाड़ तो हमें देखते पाई थी के वही हम बहुत कोशिश कर रहे थे दिखाने के लिए लेकिन दिखा नहीं पाए टाटा नगर का व्यू। अब लोग ऐसे आँख आँख से देख सकते हैं, खाली आँख से देख सकते हैं, लेकिन कैमरा में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, छोटा छोटा। वही जो है वो थोड़ा हाउस है टाटा नगर का जो हाउस। सो इधर है हनुमान जी, तो जाते हैं हनुमान जी के पास। ये देखिए हनुमान जी इधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ये देखो, हनुमान जी का वाहन भी आ गए। ये आके हनुमान जी को देख ली। इसको जब हम बोल रहे थे कि नमो करो, तो देखो ये देखिए नमो भी कर रहे हैं। फिर से करेगा। देखो ये देखो, फिर से ऐसे जितने बार हम बोल रहे थे तो उतना बार ही ये कर रहा था। मेरी बेटी भी देखने के लिए आ गए थे। नमो करो नमो करो करो, नमस्ते करो नमस्ते करो। हाँ जाओ जाओ अभी जाओ। हाँ ताके बोली नमो करो नमो करो, बोलते कि नमो करो नमो करो ए नमो करो। सो मेरी बेटी पकड़ने के लिए दौड़ लेकिन भाग गया वो। सो हो गया यहाँ का हनुमान जी के दर्शन। सो अभी हम नीचे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को और कुछ दिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं। सो उधर देख सकते हैं वॉच टावर है, आप वहाँ चढ़ के देख सकते हैं। लेकिन वहाँ नहीं चढ़ पाए हम लोग, इतना सीढ़ी चढ़ लिए उधर नहीं और चढ़ पा रहे थे। तो इधर वही बंदर आके खड़ा है इधर। तो थोड़ा बहुत हम टावर के पास गए थे लेकिन वहाँ नहीं चढ़े, इतना सीढ़ी चढ़ ली और नहीं चढ़ना था उधर। सो इसलिए हम नहीं चढ़े। सो मंदिर के पीछे से और एक रास्ता था, वहीं से हम आ गए पहाड़ी के इस ओर। और अब देख सकते हैं इधर वो सीढ़ी भी किया हुआ है नीचे जाने के लिए। नीचे थोड़ा उतर के अब घूम सकते हैं, सीढ़ी किया हुआ है इसीलिए। लेकिन हम नीचे उतर रहे नहीं, और इधर ऐसे बैठने के लिए जगह भी किया था। मेरे भाई ने ऐसे बैठ के अरे फ़ोटो खींचवाना है, तो इसके ऐसे बैठने देते हैं। थोड़ा बैठो, पीछे जब गर्म लगेगा तब उठेगा, तो इसको बैठने देते हैं यहीं पर। तो हम जा रहे हैं उधर बोर्ड के पास। सो इधर बोर्ड पर आके हम थोड़ा फोटो खींचा लिए, और इधर से हम जा रहे हैं। और वो रहा वॉच टावर, वहीं से हम आए घूम के, अभी नीचे जाएंगे। जो यहाँ के पहाड़ी से उतर कर हम चढ़ गए गाड़ी पर, और हम जाने वाले थे सीधा डीमना, लेकिन गाड़ी वाले भाइयों को कुछ काम था इसीलिए जल्दीबाजी में हम लोगों को ले जा रहे थे, क्योंकि उनका कुछ मेडिकल का काम था। तो वो लेकिन एक काम किया बहुत अच्छा, वो क्या किया कि हम लोगों को एक ढाबे में उतर के चले गए थे। वो ढाबा बहुत अच्छा था, आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। सो यहाँ है एक ट्री हाउस, लेकिन ट्री हाउस भी आप लोगों को दिखा नहीं पाए इस जल्दीबाजी के वजह से। और एक हिरन का पार्क भी था, वो भी आप लोगों को दिखा नहीं पाए। इधर है हिरन का पार्क, थोड़ा बाउंड्री को पार करके है उधर हिरन का पार्क। एक गाड़ी वाला भाइयों को बहुत जल्दी था इसलिए हिरन का पार्क भी हम लोगों को नहीं दिखाया। उधर है हिरन का पार्क, एक दो हिरन चर भी रहा था, हम लोग देखे थे लेकिन मोबाइल में कैप्चर नहीं हुआ होगा। तो अभी हम जाएंगे थावा की ओर।
चलिए धामा में पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ। तो ये है वही ढाबा, इसका नाम है जगजीत होटल। सो ये जो भैया का होटल है बहुत अच्छा है, भैया का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। हम खाने के वक्त बहुत देर तक यहाँ पर बैठे रहे, लेकिन भैया कुछ नहीं बोला कि बाहर जाओ कि कुछ, और कुछ भी नहीं। क्योंकि और कई होटल देखे हैं हम कि खाने के बाद ऐसे बैठने नहीं देते हैं, लेकिन ये भैया बैठने देते हैं। और बहुत साफ़ सुथरा भी है, आप देख सकते हैं बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत सुंदर से सजा हुआ है इस होटल। और जाने के बाद ये लोग हम लोगों को ऐसे ग्लास और बॉटल भी दिए थे, किनले का बॉटल दिए थे, पानी का बॉटल, किनले का एकदम सील किया हुआ, आप देख सकते हैं भैया बॉटल दे रहे हैं। इधर थाली भी आ गए, हम लिए थे एक करी और थाली, ये देखिए ग्लास पूरा दिया हुआ है, पूरा ग्लास दे के गए थे भैया। और पूरा लग रहा है कि हम फाइव स्टार होटल में आ गए, ऐसे लग रहा था अंदर आके, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइव स्टार की तरह सजा हुआ है, लेकिन इसके अंदर फाइव स्टार वाला कुछ नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पर आके, भात खा सकते हैं इधर, रोटी तड़का सब कुछ मिलता है यहाँ खा सकते हैं, आइसक्रीम ठंडा यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स विंक्स सब मिलता है। तो हमारा थाली तो आ गया है अभी फ़िलहाल, करी नहीं आया अभी तक एक करी, क्योंकि बहुत हम आठ लोग थे तो आठ थाली पहुँच जाएंगे, फिर तो करी लाएंगे ना। तो इन लोग में को जो भी आप, इन लोगों का सर्विस बहुत अच्छा है और ज़्यादा देर तक बैठना नहीं पड़ा, एकदम पहुँचा दिया खाना। सो चलिए खाना ख़त्म करके आप लोगों के साथ मिलते हैं। सो यहाँ का हर एक सब्जी थाली का जो रेट है वो पड़ा 50 रुपया, और एक करी का रेट वो अलग से है 20 रुपया। तो हर एक थाली का रेट पड़ा 70 रुपया। अब जैसे थाली लेंगे तो उसका रेट वैसे ही पड़ेगा। सो चलिए खाना ख़त्म कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये है आइसक्रीम का स्टोर, बहुत सारा फ्लेवर रखा हुआ है, बहुत सारा आइटम रखा हुआ है ये आइसक्रीम। तो करीब एक घंटे के बाद हमारा गाड़ी आ गया, तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते जाइए और बने रहिए वीडियो में। जो लोग मेरे आगे का वीडियो नहीं देखे उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे का वीडियो जो हम बनाए थे, कहाँ जो हम गए थे दलमा पर, सॉरी दलमा नहीं चांडिल पर। तो वहाँ का वीडियो का लिंक पूरा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने से क्या होगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।